अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि कुवैत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंजीनियर साले अल फदकी ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर चल रही सभी एयरलाइंसों को एक सर्कुलर जारी किया है, जिन्होंने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर PCR प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए मुना कार्यक्रम को लागू करना शुरू किया। वर्तमान में 8 देशों को पहले फेस में जोड़ा जाएगा, वो बहरीन, UAE, तुर्की, भारत, फिलीपीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल है। सर्कुलर में कुवैत आने वाले यात्रियों को केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब उनके पास नेगेटिव PCR टेस्ट हो और ये साबित हो कि वो कोरोना वायरस से मुक्त हैं, और साथ में ये भी कहा गया है कि उनका PCR टेस्ट जो है वो 72 घंटे के अंदर का होना चाहिए और उनको खांसी, छींक और बुखार यानी तेज़ बुखार वगैरह ना हो, जिससे कि कोरोना वायरस के जो लक्षण नज़र आते हैं कि तेज़ बुखार, खांसी और छींक वगैरह ज़्यादा आती है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुसाफिरों को नहीं आनी चाहिए, तभी वो जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जबकि आगे ये कहा गया है कि ये रूल्स जो है वो 25 मार्च से लागू हो जाएगा। 25 मार्च से 8 देशों के लिए जो है वो नया रूल्स लागू करने जा रहा है कि 8 देशों से जो मुसाफिर कुवैत में आएंगे उन तमाम लोगों को अब PCR टेस्ट जो है जो मुना कार्यक्रम में मौजूद लेबोरेटरी होंगी, जैसे कि मुना प्रोग्राम में जो मौजूद लेबोरेटरी इंडिया के अंदर हैं उनको यहाँ पर ऐड किया गया है मुना प्रोग्राम में, तो उन्हीं के जरिए से आपको PCR टेस्ट अपना करवाना होगा, उसके बाद ही आप कुवैत में एंट्री कर सकते हो। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मिनिस्टर डॉक्टर बेसल अल सबा ने बताया है कि कुवैत में कोरोना वायरस जो है वो अभी भी लगातार ज़्यादा निकल रहे हैं। केस को कम करने के लिए तमाम लोग जो है वो हिफाजती इंतजामात की पाबंदी करें, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा और तमाम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर्ड कर लें, क्योंकि अब कुवैत के अंदर कंट्रोल करने के लिए कोरोना वायरस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जाएगी। जितना ज़्यादा वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी उतना जल्दी ही हालात जो हैं वो कुवैत में कंट्रोल आ सकते हैं और हालात पहले की तरह नॉर्मल हो सकते हैं। ज़्यादातर देशों का यही कहना है कि जितना ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी उतने जल्दी ही देश में जो हालात हैं वो बेहतर हो सकेंगे। तो ये कुछ बड़ी खबरें आ रही थी, सोचा आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। इसके अलावा एक खबर आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दें कि आज कुवैत में कितने नए कोरोना वायरस के केस निकले हैं। तो आपको बता दें कि आज कुवैत में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद जो है वो रही है 1314, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है और 1314 लोग ठीक भी हुए हैं, यानी जितने मरीज निकले हैं नए उतने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 9317 लोगों का टेस्ट भी किया गया है और इस वक्त कुवैत में एक्टिव केस की तादाद 14162 है, जबकि ICU में जो केस हैं उनकी तादाद 115 हो गई है। तो ये थे दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और अहम खबरें। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफ़िज़।